9 अगस्त के ही दिन लखनऊ स्थित काकोरी में 100 वर्ष पहले घटी वह घटना जिसने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा किया गया यह कार्य आने वाली युवा पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगा और राष्ट्र के प्रति समर्पण में उन्हें प्रेरणा देगा। जहां की माटी में देश के महान सपूत बलिदान हुए वह माटी चंदन के समान है। प्रयागराज आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। यह बातें काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के अवसर पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करने के उपरांत संबोधित करते हुए कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय, बाबा भीमराव अंबेडकर, शहीद रोशन सिंह जैसे महान सपूतों की प्रतिमा इस शहर में है। अंग्रेजों द्वारा देश के गरीबों का धन लूटा जा रहा था तब देश की आजादी के लिए महान वीर सपूतों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आनबानशान को कभी आंच नहीं आने देना है, ऐसा हर देशवासी को संकल्प लेना होगा। महापुरुषों की स्मृतियों में होने वाले कार्यक्रमों में सबको एकजुट होना चाहिए। काकोरी कांड से जुड़े हुए अपने महान पुरुषों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और 9 अगस्त 1925 को संपूर्ण क्रांति के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी स्मरण करता हूं। यह प्रयाग की धरा हम सब इस दृष्टि से गौरवशाली हैं कि अगर मैं दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा और अपनी ही गोली से अपने चनपटी पर अगर वार करके अपना बलिदान देने वाले महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने हम लोग शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं तो यहाँ पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी, यहाँ अनेक महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। देश विरोधियों को लहराता हुआ तिरंगा जवाब देगा। लोग अपने निजी प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा फहराएं, ऐसी अपील की जाती है। हर घर तिरंगा अभियान पोर्टल पर अपनी फोटो लोड करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। देश को आत्मनिर्भर विकसित बनाने की तमन्ना हमारे दिल में है। मैं यह जो शताब्दी वर्ष है इसमें सरकार का फैसला है कि हम इस शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सबके लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किया गया, उनको सब इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी आह्वान किया गया है। हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे आज आप बैंड की धुन यहाँ पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों के सम्मान में, यह धुन इस शताब्दी वर्ष में लगातार सुनाई दे, इस संबंध में भी सरकार विचार कर रही है। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का एक अभियान, अमृतकाल की तरह जैसे अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, वैसे ही इस वर्ष भी हर घर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का अभियान चलेगा, तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम चलेगा। जो सरकारी लोग होंगे वो करेंगे, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग करेंगे, पार्टी से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा कोई एक दल का नहीं है, राष्ट्र की पहचान है। क्या उद्देश्य क्या है? देश के अंदर बलिदानी हैं जिनके कारण से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं, जिनके कारण से भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था चलती है। उन महान क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, उनकी स्मृति को ताजा रखने वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के मन में भी इसके लिए कार्यक्रम रखिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की एक शताब्दी पूर्ण होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
मीडिया से मुखातिब होते हुए वक्फ बिल के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। यह बिल गरीब मुसलमानों को लाभ देने के लिए है। बिल अच्छा है, अभी वह जेपीसी के पास भेजा गया है। वहीं बांग्लादेश में घटे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पूरी नजर इस पर है। इस परिस्थिति में मजबूत भाजपा, मजबूत भारत आवश्यक है। भारत आज एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत जिनको नहीं पच रहा, वे तरह तरह की बाधाओं को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे पार पाते हुए आगे बढ़ना है। इससे पहले बमरौली एयरपोर्ट पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र, महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वी के सिंह, गंगापार जिलाध्यक्ष कविता पटेल, जिलाध्यक्ष यमुनापार विनोद प्रजापति, अवधेश चंद्र गुप्ता, रवि केसरवानी, राजेश गोंड, मनोज कुशवाहा, राकेश भारती, प्रशांत शुक्ला, मीडिया प्रभारी विवेक मिश्र ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया।